आज इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे सहरसा से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय ट्रेन जो कि सहरसा से कहीं और नहीं बल्कि आनंद विहार टर्मिनल के बीच और नई दिल्ली के बीच चलती है। सहरसा जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन और सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के नई सुविधा के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल यह ट्रेन सहरसा से नई दिल्ली के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रेनों में से एक है, जिससे सफ़र करना यहाँ के पैसेंजरों को सबसे ज़्यादा बेहतर सुविधा मिलती है और ये लोग इस ट्रेन में सफ़र करने के लिए पहले से ही बुकिंग कराने के लिए लंबी लाइनें लगा कर रखते हैं। तो ऐसे में इस ट्रेन के यात्रियों के लिए बड़ी खबर निकल कर यह सामने आई है कि अगर आप अप्रैल के महीने में वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा करने का सोच रहे हैं तो आपको अब बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो यह ट्रेन सहरसा से 6:46 पर सुबह में खुलती है। यहाँ से खुलने के बाद यह ट्रेन सीधे मानसी जंक्शन, खगड़िया जंक्शन, बेगूसराय, बड़ौनी, दालसिंहसराय जंक्शन, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा के रास्ते सिवान पहुँचती है। यह ट्रेन कुल मिलाकर 1285 किलोमीटर का सफर तय करती है, जहाँ की यह ट्रेन दूसरे दिन 6:25 पर पहुँचती है। और यही वजह है कि इस ट्रेन के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलता है, क्योंकि इस ट्रेन के यात्रियों को अब एक और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि रेलवे की ओर से नए नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। 16 अप्रैल से अगर आप सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको अब बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेन में 16 अप्रैल से अप और डाउन दोनों ही दिशाओं में वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन के D4 और D3 में जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। बिहार के छोटे रेलवे स्टेशन के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अब बुकिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रेलवे काउंटर से जनरल टिकट लें और सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करें, जिसका कोच में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्रा के दौरान इस ट्रेन के D3 और D4 के कोच में प्रवेश करना पड़ेगा और जनरल टिकट रहने के साथ ही आप इस ट्रेन का सुविधा उठा पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो पसंद आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े जाएं, साथ ही नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब।